ओके सो इतने सारे कपड़े आज हॉल दिखाने के लिए नहीं है, करना है इसको पैक। तो सिचुएशन देख के समझ आ गया होगा गाइस कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं ना पहले फैन बंद कर दूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ से ज़्यादा फैन की आवाज़ आ रही होगी। तो मैं मतलब हम आफ्टर लॉन्ग टाइम वेकेशन पे जा रहे हैं या तो मुझसे ज़्यादा तो ये बेड का फ्रेम आ रहा है, मतलब आई डोंट नो मैं कहाँ रखूँ इसे। दिस इज ओके, आई मीन बेटर, ठीक है, ऑल राइट। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग, कल जा रहे हैं हम वेकेशन पे, लाइक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मार्च माई की क्लोजिंग होती है, तो तब तक तो वेकेशन का नाम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा सिचुएशन था। बट अभी जब सब चीज़ ख़त्म हो गया है तो हमने प्लान किया कि लेट्स गो टू सम वेकेशन गेट अवे, लाइक दो तीन दिन के लिए चलो। बट चलो तो कल जा रहे हैं हम लोग कुर्ग, जिसके लिए कर रही हूँ मैं पैकिंग। गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है बैंगलोर में, बहुत ज़्यादा। अभी फ़ैन मैंने बंद किया है बट मुझे लग रहा है कि बिना फ़ैन का काम नहीं चलेगा, तो मैं थोड़ा पैक वैक करके आधा काम कर लेती हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9 o'clock एंड मुझे शावर भी लेना है, हेयर वॉश करना है, हेयर ड्राई करना है एंड कल सुबह 5 बजे निकलना है। वेट, 5 बजे हमें अपने फ्रेंड के पास पहुंचना है। ओके देयर इज अ लॉट टू टेल यू। तो हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो इट्स अ रोड ट्रिप। तो हम सुबह सुबह 4 बजे निकल रहे हैं यहाँ से अपने फ्रेंड के घर एंड फिर वहाँ से हमें 5 बजे निकलना है। तो जल्दी सोना है, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू। अभी फ़िलहाल के लिए तो फ़ैन ऑन करना है एंड आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगी। तो बाय, सी यू गाइस। ओके सो आई जस्ट टुक शावर, हेड बाथ यू एक्चुअली एंड पैकिंग। आप देख सकते हो बेड एकदम फैला हुआ है, मुझे इतना टाइम लगता है पैकिंग करने में, आई डोंट नो, मुझे तो बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है। बाय द वे गाइस, मैंने एक शूज़ ऑर्डर किया था मिंत्रा से, दैट्स फ्रॉम द रोडस्टर एंड आज ही आया वो ग्रेश पिंक, आई डोंट नो इफ दैट कलर एग्जिस्ट बट उस टाइप का ही दिख रहा है। ये बीच में वाइट के साथ पैटर्न दिया हुआ है, इतना अच्छा दिख रहा है, तो खुश हो रही हूँ। इसके साथ हील भी है, मतलब आपकी हाइट भी 1-2 इंच बढ़ जाएगी आराम से। हाँ 2 इंच तो बढ़ ही जाएगी, 2 इंच वाली हील लग रही है मुझे, तो इट्स लाइक चंकी शूज़। येस टाइम पर आ गया, आज ही आया है क्योंकि कल निकलना है। सी व्हाट्स, सी क्या सही टाइमिंग है। एंड या चली मैं अपने हेयर को थोड़ा ड्राई करने, बहुत देर से ऐसे ही रैप करके छोड़ देती हूँ जब भी मैं शावर लेती हूँ, काफ़ी अच्छे से वाटर सोक कर लेता है एंड येस दैट्स वन थिंग इम्पॉर्टेंट कि वो ये माइक्रो फाइबर का टाल है। एंड गाइज इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट ना, अभी आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी अपने हेयर वॉश करो, कोई नॉर्मल कॉटन और कोई भी जो फर वाला टाल होता है वो सब चीज़ें छोड़ के यू शुड स्विच इट टू माइक्रो फाइबर टाल। मैंने ये अमेजन से लिया है, तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। एंड काफ़ी सस्ता ही पड़ा था, 300 या 400 तक कुछ पड़ा था। तो येस माइक्रो फाइबर टाइप टाल, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो माइक्रो फाइबर टाल पर स्विच करो, यू विल फील द डिफरेंस, बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। येस एंड मैं चली रेस्ट ऑफ द पैकिंग करने, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा। माही का आई गेस पैकिंग हो गया है, वो मेरे बाद शुरू किया था बट उसका ऑलरेडी हो चुका है। तो वी आर गर्ल्स गाइज। हाई, तो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं अपने बालों को हेयर वॉश करके अच्छे से प्लेट करके सो गई थी ताकि थोड़े नेचुरल कर्ल्स आएँ। अभी बज रहे हैं दिन के, आई मीन सुबह के 4 एंड मुझे सोते सोते लिटरली 2 बज गया था। मैं मुश्किल से कुछ ही घंटे सो पाई हूँ, लाइक 30 मिनट्स आई वुड से, आँखें देख के समझ आ रही होगी आपको। तो अभी के लिए आई एम ऑलमोस्ट रेडी, बस बाल खोलना बाकी है एंड आई विल बी डन। इट्स जस्ट द लिपस्टिक आई हैव पुट ऑन, नथिंग एल्स, ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किया है एंड लुक एट द कर्ल्स गाइज। खोलने के बाद जो सॉफ्ट कर लाए क्या ही बताऊँ, मतलब आई जस्ट लव इट। आजकल तो मैं वेरी ऑफन ये चीज़ें कर रही हूँ, नॉट वेरी ऑफन बट अगर हाँ कहीं जाना है या कुछ स्पेशल चीज़ें हैं तो आई जस्ट डू इट। आई लाइक थोड़ा यू नो फॉर अ चेंज वाला लुक। कैन यू सी द कर्ल्स, क्या सॉफ्ट वाला कर्ल्स आया है ना। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आपके भी हेयर स्ट्रेट हैं एंड यू डोंट वॉन्ट टू डू एनी हेयर स्टाइलिंग विथ हीट और स्टफ लाइक दैट, सो यू कैन आराम से गो फॉर दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ कर्लिंग योर हेयर। मुझे तो बड़ा सही लगता है एंड या दिस इज़ द लुक एंड आई लाइक इट। थोड़े कर्ल आ जाते हैं ना तो बाउंसी भी लगता है हेयर, लगता है कितने ज़्यादा बाल है, दो इतना है नहीं बट थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है हेयर में विच आई रियली लाइक।
लाइक इट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। ये वाला आउटफिट डाला था मैंने कुछ अभी अभी, आपने मेरे लास्ट वीडियो में ये वाला टॉप ऑलरेडी देख चुके हो। मुझे इतना क्यूट एंड कॉम्फी लगता है कि आई जस्ट थॉट टू रिपीट इट फॉर टुडे। एंड इसके साथ ब्लैक फ्लैट पैंट डाला है मैंने जो मिंत्रा से लिया था। मैं आउटफिट के डिटेल्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लेना। एंड द कैब हैज़ अराइव्ड, तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिप। ये वाला हैट रखा है मैंने, लास्ट टाइम मैंने गोवा के लिए ये वाला हैट लिया था एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल। एंड लुक एट दिस गाइस स्टाइलिंग हिज हेयर। तो या लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस ट्रिप, आई एम सो एक्साइटेड। दो ट्रॉली थे, मतलब शुड भी कम ऊपर या नीचे ही रहे तुम लोग आओगे ऐसा कुछ? ओके ठीक है ठीक है, ओके ओके। आई तो फॉरगॉट कौन सा फ्लैट था, याद है? मैं भी आया हूँ ना लास्ट वीक। अच्छा, तो आ गए हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ एंड यहाँ से होगी एक्चुअल रोड ट्रिप की शुरुआत। एंड मीनवाइल मीट दिस क्यूरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, से हाय। ओके, सो हमने कुछ टाइम वहाँ पे वेट किया, दे वेर गेटिंग रेडी। एंड मीनवाइल गाइस लुक एट दिस बैग। मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग टाइम आपने मुझे ये बैग के साथ देखा होगा। ये मैंने नायका फैशन से लिया है, काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस, तो ये मत सोचना कि स्पॉन्सर्ड है। एंड दिस इज़ द शूज़ जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ इससे पहले, इट्स फ्रॉम मिंत्रा रोडस्टर एंड पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही कम्फर्टेबल है। तो कुछ टाइम वेट करके हम निकल लिए अपने ट्रिप पे एंड गाइस वी आर रियली एक्साइटेड क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद प्लान बना जाने का। तो यस, आई गेस शादी के बाद ये पहला शॉर्ट ट्रिप होगा, आई मस्ट से। तो ये हमारे कुछ और सेट ऑफ फ्रेंड्स जो साथ जा रहे हैं एंड दिस इज़ मी एम्ब्रेसिंग द सनलाइट। गाइस अभी अभी जस्ट सनराइज हुआ है, क्या गोल्डन लाइट आ रही थी शक्ल पे, इसलिए मैं थोड़ा कैप्चर कर रही हूँ। शुरू हो गया अभी से फोटो लेना। अभी तो कूद रहे थे मेरे ऊपर, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टॉप लिए थे जस्ट फॉर द चाय एंड कॉफी। एंड गाइस मीट दिस, दिस इज हेक्टर, काफी फरी एंड क्यूट है ना। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ऐसे थोड़ा फियर सा है बिकॉज आई एम नॉट सो पेट फ्रेंडली टाइप। वो होता है ना, दूर से देखो, दूर से खिला लो एंड दूर से प्यार कर लो, दैट्स इनफ। ऐसे घर पे पेट रखना इज अ बिग नो। ये इतनी हल्की सी है, मेरे को लगता है ये उसको लेके भाग जाए कहीं, इसलिए मैं नहीं घुमाती। देखो गरीब, अब मुझे समझ में आया तू पतली कैसे है, दौड़ती रहती होगी इसके साथ। एक टाइम पे ना बड़ा धूप आ गया था एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये हैट रख लिया था, क्या सही सन प्रोटेक्शन चल रहा था मेरे साथ। एंड आई रियली लाइक द डिज़ाइन एंड द कलर यू गाइस, मतलब काफ़ी फंकी एंड मतलब काफ़ी सही है। अच्छा खासा साइज़ है इसका जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, मतलब सन प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से। सो आई रियली लाइक इट। मैंने इसे मिंत्रा से लिया था गोवा ट्रिप के टाइम में, मैं लिंक देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनकेस यू इंटरेस्टेड आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। दो तीन घंटे ट्रैवल करने के बाद हम एक अच्छी सी मिडवे रेस्टोरेंट में रुके थे जस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट एंड इसका नाम था अरोहा प्योर वेज रेस्टोरेंट।
रेस्टोरेंट। तो ये वाला रेस्टोरेंट नाइस रोड के रास्ते में है जो टुवर्ड्स मैसूर जाता है, दैट इज वेयर इट इज सिचुएटेड। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, बिकॉज अगर आप इसका इंटीरियर देखोगे ना आप खुश हो जाओगे, इतने अच्छे से बना है। आई वुड रियली लाइक टू मेंशन दिस, काफी फैंसी एम्बियंस लगा मुझे तो एक ब्रेकफास्ट और ये मिडवे रेस्टोरेंट के हिसाब से, बिकॉज नॉट ओनली द एम्बियंस इसका फूड भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, एक्चुअली हम सभी को पसंद आया। एंड गाइज इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, मैं बस आपको रिकमेंडेशन दे रही हूँ ताकि अगर आप उस रास्ते से गुजर रहे हो तो यू कैन कंसिडर दिस। ओके, तो वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट आई जस्ट गॉट टू नो वन थिंग कि हम लोग कुर्ग नहीं जा रहे हैं, हम लोग केरला जा रहे हैं। आई मीन आई एम फीलिंग सो स्टूपिड। एक्चुअली तीन चार ऑप्शंस थे जब हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो तीन चार ऑप्शंस थे कि हम इन सब चीज़ों में कहीं एक जाएंगे। एंड आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि हम कुर्ग जा रहे हैं, हमारा कुर्ग फाइनल हुआ है। एंड अभी वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट जब सब बैठ के बातें कर रहे हैं, इसलिए केरला क्यों, देन वी रियलाइज कि हम केरला जा, देन आई रियलाइज कि हम केरला जा रहे हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एम्बैरेसमेंट दैट हैपेंड जस्ट नाउ विथ मी, या एंड फॉर नाउ वी जस्ट हैड ब्रेकफास्ट। फिलहाल तो मेरी शक्ल की बैन बजी हुई है, कल रात आई हार्डली गॉट एनी स्लीप, बिल्कुल भी नहीं सो पाई मैं पूरे टाइम। आई वॉज जस्ट लाइंग ऑन बेड एंड टाइम देख रही थी कि क्या टाइम हो रहा है, उठना है करके, क्योंकि 3 बजे उठना था और 1 या 1.5 बजे सोई थी। माही आराम से 1.5-2 घंटे सोया बट मुझे नींद नहीं आई। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग पीपल दैट हाउ स्टूपिड आई एम दैट आई फॉरगॉट, आई मीन आई डिडंट इवन नो दैट वेयर वी आर गोइंग। I mentioned that we are going to Kurg, but we are going to Kerala. हमने planning ही ऐसे की थी कि तुम्हें पता ना चले। Don't tell me. Yeah. तुम लोग को पहले से पता था कि तुम लोग केरला ही जा रहे हो ना? हाँ। हम लोग केरला ही जा रहे हैं। मेरे को पता है कि तुम कुर्ग तुम्हारे माइंड में था, बट मैंने तुम्हें करेक्ट नहीं किया। I wanted you to feel surprised. ओके, सो बहुत बड़ा प्रैंक हुआ मेरे साथ एंड अब हम कुर्ग नहीं, अब हम केरला जा रहे हैं। यस, तो ऐसे ही कुछ खाते पीते हम निकल लिए केरला के लिए। एंड थ्रू आउट द रास्ता वी वर थिंकिंग कि हमने गलती तो नहीं की केरला वेकेशन प्लान करके, बिकॉज टेम्परेचर वॉज गेटिंग हॉटर, जितना ही करीब जा रहे थे केरला के काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। बट वी वर लाइक जो होगा देखा जाएगा। तो आ गए हम अब अपने डेस्टिनेशन केरला एंड इसके आगे का ब्लॉग आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना थोड़ा, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में केरला ट्रिप वाले ब्लॉग में। यस, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस, बाय।